अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीज। सो फाइनली स्प्रिंग्स इन द एयर, मौसम कुछ चेंज हो रहा है, प्रोजेक्ट्स करने को दिल भी कर रहा है क्योंकि सर्दी नहीं लग रही पानी को हाथ लगाते हुए। सो टुडे हम एक अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये कुछ हमें लैंटर्न्स बनाना चाह रही हूँ, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, अपने ड्राइंग रूम में, लाउंज में, कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, बेडरूम्स में, वेयर एवर यू फील लाइक। मैंने पहले इसमें, ये आप देख सकते हैं जो दो लैंटर्न्स आपको नजर आ रही हैं, उसके फ्रेम्स ये अपने लोकल कारपेंटर से बनवाए थे। इनका कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए कि मोस्टली हमने जो मटेरियल यूज किया है सिंपल लकड़ी का फ्रेम बनवाया है उससे, और जो टॉप आपको नजर आ रहा है ये MDF का है। ये बनाने के बाद इसको पेंट कर लिया है। पेंट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप चॉक पेंट यूज करें। चॉक पेंट का अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, तो अब बहुत अच्छी बात है कि एक तो पाकिस्तान में आपको हर किस्म के इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अवेलेबल है, सेकेंडली हम लोगों का अपना जो ब्लू बर्ड आर्ट्स के नाम से एक चॉक पेंट बनाती है कंपनी, वहां से भी आप चॉक पेंट ले सकते हैं। तो ये सब बेसिकली आप कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने व्हाइट किया जस्ट बिकॉज दैट वॉज द लुक आई वॉज आफ्टर। सेकेंड हम इसमें करेंगे क्या, इसका जो लैंटर्न्स है आप देख सकते हैं कि होल्डर बीच में लगा लिया हुआ है यहाँ पे। इसमें हम बल्ब लगा के इसको एक लैंप बना लेंगे, और इसको यहाँ पे जो इसकी साइड्स हैं यहाँ पे, ये आपका फाइबर ग्लास के पीसेस आ जाएंगे। फाइबर ग्लास के पीसेस इसके साइज के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी हमने कट कर लिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइबर ग्लास को हम लोग यहाँ पे फोटो ट्रांसफर के जरिए इमेजेस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो जब आपका दरमियान में लाइट ऑन होगी तो बहुत अच्छा सा इसमें इमेज का इफेक्ट आएगा। एटलीस्ट बेसिक थ्योरी ये है, बट लेट्स वेट टिल द एंड एंड सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। सेकेंडली इसमें हम जो फ्रेम है, ये आप जैसा देख रहे हैं कि ये वाला जो इसका यहाँ पे लकड़ी का हमने फ्रेम है और टॉप है, उसको डेकोरेट करने के लिए ये डिकोपाज, और डिकोपाज के लिए ये दो तरह के पेपर नैपकिन। सेकेंडली हम ये वाला इसका आपका फ्लोरल पैटर्न यहां से लेके यूज करें। ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पेपर नैपकिन है। इस नैपकिन में से आप इस तरीके से उसके कुछ ना कुछ मोटिव्स अलग अलग करते जाएं। ये देखिए मैंने इसमें से मोटिव्स निकाल लिए हुए, ये देख लें आपने डिफरेंट किस्म के करने। अब ये वाला फ्लावर छोटा भी आपको चाहिए तो आप सिर्फ इतना पीस बीच में से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि ये एक इस तरह का नैपकिन है तो हमने ऐसे ही चिपकाना है। वी कैन मेक व्हाटएवर शेप वी डिजायर आउट ऑफ दिस। मैं अपना एवर प्रेजेंट कप ऑफ टी यहाँ से हटा लूं। दूसरा जो हुआ, ये लेजर प्रिंट मैंने लिया है, और लेजर प्रिंट आप ले रहे हो, नॉर्मली होम प्रिंटर मैं यूज नहीं करती हूँ। मैं अपने लोकल जो आपका प्रिंटिंग वाला जो भी शॉप है वहां पे आप जाके, जो कंप्यूटर शॉप्स होती हैं वहां से जाके ले लें, उनसे कहें अपनी अच्छी क्वालिटी का जो लेजर प्रिंटर है उसका आप प्रिंट लें। ये प्रिंट लें, अगेन मैंने आपसे पहले कहा था जहां पे लेटरिंग हो उसको इनवर्स प्रिंट करवा लीजिएगा, या उसका मिरर इमेज आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ऑल्दो ये चाइनीज है तो मुझे लगा किसी को तो पढ़ना शायद आ ही जाता हो, तो ये भी इनवर्स ही प्रिंट करवाया ताकि फोटो ट्रांसफर करने के बाद ये स्ट्रेट हो जाए। इसके ऊपर हम इस तरह आज हम इस्तेमाल करेंगे ये मॉड पॉज, इसका फोटो ट्रांसफर मीडियम, और दूसरा नॉर्मल मॉड पॉज इसको डिकोपाज के लिए और फोटो ट्रांसफर के लिए। आपने ग्लू को हमेशा इसके ऊपर लगाना है। ऊपर लगाने के बाद आप इसको इस तरह से इमेज साइड पर पूरी ग्लू लगाने के बाद आप इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फोटो ट्रांसफर करने के लिए हमें बेसिकली इस पेपर पे लगी हुई इंक चाहिए। पेपर अगर थोड़ा बहुत मुड़ भी जाता है तो इट डजंट मैटर, वो इन एनी केस रिमूव हो जाएगा। इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा लें। आप मोटिव से समझ गए होंगे ये पर्टिकुलर लैंटर्न्स हम लोग चाइनीज इसमें मोटिव्स के साथ बना रहे हैं, चाइनीज थीम पे। सो डू लेट अस नो आप ऐसे कितने लोग चाइनीज ड्रामे देखते हैं आजकल। दैट्स माय न्यू ऑब्सेशन, कोरियन ड्रामास एंड चाइनीज ड्रामास। तो आप इसे कोई फॉलो कर रहे हैं? इफ यू आर डू लेट अस नो। सो दीज लैंटर्न्स वर बेसिकली उनकी जो मेन इंस्पिरेशन थी वो वही ड्रामास थे। अब हम इसको यहाँ पे आराम आराम से चिपकाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप सारे एयर बबल्स साथ साथ यहाँ से निकाल दें। एयर बबल्स निकालने के लिए एक कोई हार्ड सर्फेस अपने पास रख लें। फोटो ट्रांसफर में मैं एग्जैक्टली वही काम कर रही हूँ जो कुकिंग शोज वाले करते हैं ना, कि अभी पकने के घंटे बाद जो काम होना है। एनी वेज ग्लू लगा के आप रख लें, इमीजिएटली उसको आपने रिमूव नहीं करना। कम अज कम भी इसको 18 आज आप दें। ये पर्टिकुलर जो शीट है मैंने ये कल की थी इसलिए इसको एम्पल टाइम हो गया हुआ है कि अभी ड्राई हो गई है कम्प्लीटली, होपफुली ट्रांसफर हो गया है और इसको रिमूव करें।
रिमूव करने के लिए स्पंज का जो ये सॉफ्ट साइड है इसको अच्छी तरह डैम्प करके यहाँ पे आप पूरे पेपर को आप पहले डैम्प कर लें। पेपर को डैम्प करने के बाद इसको बेशक अपने हाथ से या स्पंज की मदद से ही अब रगड़ना शुरू कर दें ताकि ये पेपर इसके ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाए। इस स्टेज पे आपका मकसद है ये जो ऊपर पेपर था इसको कम्प्लीटली रिमूव करना। पेपर के ऊपर जो इमेज था वो ग्लू के ऊपर ट्रांसफर होके आपके जो सरफेस है इसके साथ अटैच हो जाएगा। पेपर रिमूव करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको कुछ टाइम लगेगा। एक दफ़ा जब आप बेसिकली पेपर जो है वो रिमूव कर लेंगे तो ये जब ड्राई होगा तो उसके ऊपर एक हल्की सी वाइट कास्ट आ जाएगी, वो पेपर के रेजिजुअल्स हैं जो ऊपर रह जाते हैं। तो आप इसको आराम से जेंटली दोबारा इसको करेंगे, एक दो दफ़ा करने के बाद इमेज ज़्यादा क्लियर हो जाता है और आपको एस यू कैन सी अभी भी इमेज काफ़ी क्लियर हो गया हुआ है और नज़र आ जाता है। सेकेंडली जब आप ये काम करते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ फ्लॉज तो आएंगे, जिस तरह यहाँ पर आप देख लें ये आपका जो पेपर जो ग्लू है जहाँ जहाँ नहीं लगी हुई ये देखिए ना ग्लू बहुत क्लियरली उसका लेयर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इमेज आया हुआ है। आपको कुछ जगहों पे वो पीसेस मिसिंग भी होंगे, हो सकता है जिस तरह यहाँ पे आप देख लें बारीक बारीक किस्म के। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में पेंट की मदद से इसको दोबारा रीटच जब करेंगे तो तब इसकी लुक कम्प्लीटली फिनिश्ड आएगी। Seems like a couple of million years later, after again and again and again trying to remove the paper, this is what it starts to look like. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बीच में कई जगहों पे faults रह जाती हैं, जहाँ जहाँ glue आपकी नहीं लगी हुई है वहाँ पे obviously ink transfer नहीं होगी। Similarly, print छोटा होने की वजह से और इस particular case में size बड़ा था तो edges भी कुछ इसकी रह गई हैं। But this is the part where you have to टेक टाइम एंड मेक श्योर कि आप एक्रेलिक पेंट से इसको कम्प्लीटली दोबारा रीडू करें, जो बैकग्राउंड में कलर्स ऐड करें, विच इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। फॉर द फाइनल टच इसको मैंने जैसे पहले कहा था आपने पेंट के ज़रिए इसके जो बाकी एजेस वगैरह रह गई हैं उसको कवर कर लेना है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं इसके लिए एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करूँगी जो मैं कर रही हूँ, बट आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस चॉक पेंट और इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एज यू कैन सी ये यहाँ पर मैंने चॉक पेंट लगा के अब जो भी एजेस वगैरह में इसके रह गए हैं वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर फाइनली क्योंकि मेरे पास कलर रेंज चॉक पेंट में बहुत लिमिटेड है तो मैं बाकी ये जो इसके कलर्स वगैरह बीच में ऐड करने हैं वो एक्रेलिक पेंट की मदद से करूँगी। एक दफ़ा तमाम जब पेपर रिमूव हो गया होगा तो उसके बाद भी आप देख रहे हैं तो इसमें हल्का सा रह जाता है रेजिड्यूल, जिसकी वजह से आपको थोड़ा इमेज डल लग रहा होता है। उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू बर्ड का है ये आप देख सकते हैं हाई रिफ्लेक्टिव क्लियर कोट। आप वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे इसके रिजल्ट्स ऑफ लेटली मैंने इस्तेमाल करना शुरू किए और बहुत अच्छे लगे। सो व्हाट यू सिंपली डू इज़ ब्रश की मदद से इसको लें और आपका जो इमेज है उसके ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू हो जाए। Immediately you can see the difference. As you can see, हमारे वो फोटो ट्रांसफ़र images completely फाइबर ग्लास पे आ गए हुए हैं। इनको मैंने टॉप कोट भी दे दिया हुआ है और उसके साथ साथ जो उसके बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ पे ग्लू नहीं लगी हुई थी या इमेज में फ़र्क आ रहा था वहाँ मैंने एक्रेलिक पेंट और चॉक पेंट यूज़ करके वो कम्प्लीट कर दिया हुआ है। और ये चारों पैनल्स कम्प्लीट हो गए हैं बड़ी लैंटर्न के लिए। इनको भी कंप्लीट करने के लिए एक्रेलिक पेंट और चॉक पेंट की मदद से इसका बैकग्राउंड कंप्लीट किया गया है और साथ ही टॉप कोट जो है फाइनल लेके सील किया है। आज मैं मॉड पॉज ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। मॉड पॉज ग्लू की थिन लेयर्स अपने सरफेस पे लगा लीजिए। टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं उसमें से देखिए ये मुझे मोटिव इनकम्प्लीट लग रहा है तो मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ यहाँ से। उसके बाद अपना मोटिव जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं ब्लू वाले एरिया में प्लेस करें। एक चीज़ का ख्याल रखें जितना कम बीच में एयर बबल्स आएंगे उतना ही आपका एंड रिजल्ट बेहतर होगा। उसके बाद इसकी एजेस को हम
यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा मोटिव के साथ वाला पेपर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा क्योंकि बाद में जो आप उसको रिमूव करते हैं तो सरफेस के साथ ब्लेंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। नॉर्मली कोशिश ये होती है कि बेस का जो कलर है और जो टिश्यू का कलर है वो एक हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन दिस केस बेस वाइट है और जो मैं ऊपर यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर उसका आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर का है, लेकिन क्योंकि इसको फिनिश करने से पहले मैंने बैकग्राउंड इसको हल्का सा डेप्थ देने के लिए ग्रे शेडोज ऐड करने हैं पेंट की मदद से, सो दैट इज़ वाई आई डिडंट रियली केयर के सरफेस का और पेंट का कलर एक जैसा है ये। अब जो सेकेंड टिश्यू पेपर हमने खाली वाला था उसमें से ये वाला मोटिव निकाल लिया है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर या जो आपके मोटिव्स हैं वो जिस मर्जी है साइड पे हो उसमें से पीसेस निकाल के आप अपनी मर्जी से अरेंज करें और उससे अरेंजमेंट में आपका सही एस्थेटिक एक अपील ऐड होगी। मैं बात कर रही थी कि अगर सरफेस का कलर और आपका जो टिश्यू है उसका बैकग्राउंड सेम हो तो ज़्यादा जल्दी ब्लेंड होता है। अब ये देख लें ये दोनों वाइट हैं तो इसको जैसे ही आप साइड पे लगाना शुरू करेंगे इसके एजेस बिल्कुल सरफेस के साथ, ये देखें, ये बिल्कुल पेंटेड लुक देना शुरू कर देगा। दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन और फाइनली अल्लाह अल्लाह करके ये कम्प्लीट हो गया। इसके स्टार्ट में आपको मैंने एक चीज़ का अपडेट नहीं दिया, ये हुआ आधे पता चला ये अभी एक लैंटर्न कम्प्लीट नहीं था, मुझे कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हो गया, शुक्र है ठीक रही। उसके बाद वो पूरा क्वारंटीन और वो सारा पीरियड और ये जो मेरा कैमरा मैन है इसको भी क्वारंटीन होना पड़ा क्योंकि शी गॉट एक्सपोज टू मी दैट डे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, इसको नहीं हुआ। मेरा 14 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट करके अभी तक वो शुक्र है आई एम फाइन नाउ, बट ये लैंटर्न्स कंप्लीट करके हमने कहा इसकी हम रिवील तो कर ही रहे, सो प्लीज़ फॉरगिव द इंटरप्शंस इन द वीडियो, ये वेरियस पॉइंट इन टाइम पे हमने बना के कंप्लीट किया है। आई होप यू एंजॉयड इट, होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।